हेलो फ्रेंड्स, कौर किचन में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं बना रही हूँ आपके लिए ग्वार की फली, जो बहुत ही मुश्किल होती है बनानी, मतलब तोड़नी मुश्किल होती है, साफ़ करनी मुश्किल होती है। मैं इसका इजीएस्ट हम लोगों ने इसका निकाला है। 1 किलो के करीब ग्वार की फली हैं, इसको क्लस्टर बीन्स भी बोलते हैं। बन के बहुत स्वाद बनती हैं ये बनने के बाद। मुश्किल होती है इसलिए बहुत ही रेयर लोग बनाते हैं, इनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। मैं इसका इजी तरीका ये है कि इसको मैंने इसे किसी बर्तन में इसको शिफ्ट कीजिए, थोड़ा सा पानी में, बिल्कुल इसको 5 मिनट के लिए इसको हल्की सी दम लगाना है, गरम करनी है मतलब इसको, जिससे कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। हल्का सा पानी डाल के इनको मैं ढक दूँगी। ढकने से क्या होगा, ये 5 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएंगी। अब मैं इसको छान के, छाननी में निकाल के ठंडा कर लीजिए। देखिए अब इसको निकालना कितना आसान हो गया है। अगर ये कच्ची होती तो बहुत हाथ दर्द करते हैं। देखिए अब ये आराम से इसका पूरी दोनों साइड्स निकल रही हैं। देखिए इसको साफ़ करना बहुत ही आसान हो गया है, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और बहुत ही सिंपल है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। ये देखिए अब ये साफ़ हो गई हैं। देखिए इसमें ये कुछ मसाले मैं ऐड करूँगी। अब मैंने कढ़ाई रखी है गैस पर, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल जो खाते हैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कीजिए। हम लोग सफ़ोला खाते हैं, मैंने सफ़ोला ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। अब मैं इसके अंदर हल्का सा ये हीट हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने हींग डाल दिया। ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, हींग ज़रूरी है, जीरा, और इसमें खूब सारा लहसुन पड़ेगा, गार्लिक जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें पूरा एक पूरा बड़ा गांठ इसमें डालना होगा, बारीक बारीक काट के, क्योंकि उसका ही मेन फ्लेवर है इसके अंदर। ये हल्का सा इसको भुन जाता है हल्का सा, बस उतना ही। अपना तेल में अपना स्मेल छोड़ दे अच्छी सी, इसमें बाकी की चीज़ें हम लोग ऐड कर देंगे उसके साथ ही। ये हल्का सा लहसुन जो मैंने इसमें डाला है ये हो जाए थोड़ा सा, इसको हिला दीजिए। जलेगा नहीं, लाल, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, क्योंकि जब इसमें डालेंगे कि सूखी सब्जी है तो वो नीचे लहसुन अपने आप लाल हो जाएगा हल्का सा। अब मैंने इसमें कुछ हरी मिर्चें डाल दी हैं, आप अपने हिसाब से मिर्चें रख सकते हैं। और ये मोटी मोटी इसलिए हरी मिर्चें डाली है, किसी को ना खानी हो, निकालनी हो तो निकाल सके। ऊपर से जो मैंने ग्वार की फलियाँ जो भी हैं इनको मैंने जो तोड़ के साफ़ करके रखा था, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। देखिए अब इसको इसके साथ मिक्स करना है। ठीक है, इसको इसको जो भी है इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और काफ़ी तेज़ फ्लेम पे इसको कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसको बनने के लिए। अब तो बहुत तेज़ इसको आग पे जो गैस तेज़ रखिए। साथ साथ मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी, मैंने हल्दी डाल दी है इसमें 1 बड़ा चम्मच, इसको मिक्स करना है। ये पहले हम लोगों ने बचपन में बहुत खाई हैं, पर मैंने ये अपने घर में बच्चों को भी टेस्ट कराई है, वो भी बहुत खुश होकर इनको खाते हैं। देखिए अब हल्दी मिक्स हो गई है, अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे नमक। मैंने इसके अंदर, क्योंकि 1 किलो के करीब ही थी, और मैंने इसके अंदर अपने हिसाब से नमक, 2 चम्मच नमक जो भी हम डालते हैं वो डाल दिए मैंने इसके अंदर। आप कम ज़्यादा नमक अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी, जिससे कि हल्दी जो है वो भुन जाए। बस इसमें हल्दी ही भुननी है और कुछ नहीं करना है, इसके अंदर मसाला मिक्स हो जाए। ये देखिए अब कुछ देर बाद ये इस तरह से दिखेगी। बाकी चीज़ें इसमें मैं डाल दूँगी। मैंने इसमें देगी मिर्च डाल दी है, देगी मिर्च, गरम मसाला, वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा अपने आप सर्च करता है। इसमें स्पेशली अमचूर मैंने डाला है। देखिए ये अमचूर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ऑलमोस्ट ये बन चुकी है, कुछ इसको करना नहीं है, बस इसको हल्का सा तेज आंच पे फ्राई करना होता है। ये हल्का हो गया है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालूँगी, ऐड कर दिया है। ये देखिए बन के तैयार है, और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं इसको सर्व करूँगी, हम लोगों का गेहूँ आटे का जो लच्छा पराठा होता है, मैं उसके साथ इसको सर्व कर रही हूँ। रोटी को बेल के आप इसमें अपने सब सबके अलग अलग तरीके हैं लच्छा पराठा बनाने के, हम लोग इस तरह से बनाते हैं। वैसे तो बच्चे इसको बाजरे के आटे या दूसरे जो जौ के आटे होते हैं उससे भी खा के खुश हैं, छाछ और उसके साथ, पर
इस टाइम इसको ये इसी आटे की परोंठी के साथ खाने में अच्छे लगेगा। अब मैं इसलिए इसके साथ इसे परोंठी सर्व कर रही हूँ। ये देखिए मैंने रोटी बेल के बड़े से पेड़े को बेल के उसके अंदर घी लगा, देसी घी लगा दिया है। इसमें खूब सारा मैंने अजवाइन डाला है, हैवी पराठा है, डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। नमक और अजवाइन डाल के हम इसको रोल रोल करके इसको हम लोग ये फोल्ड कर लिया है इसको अच्छे से। इसको हल्का सा दबा के अब ये देखिए इसको प्रेस करना है, और प्रेस करके इसको मैं बेलूंगी। आप इसको चाहें तो सब्जी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो इसको तो आप नॉर्मल आप इसको खाली भी उस परांठे को खाया जा सकता है, चाय के साथ या जैसे भी आप खाना चाहें। ये बहुत हैवी पराठा है, ये 3-4 रोटियों के पेड़े का बना हुआ पराठा है, काफ़ी हैवी पराठा है। अब इसमें एक और मैं इसमें ऑयल लगा के सॉरी देसी घी लगा के इसको फोल्ड कर दिया मैंने दोबारा से। अब इसको फिर रोल करके मैं इसको फिर फोल्ड करूँगी, ये भी फिर इसको एक बार और प्रेस करके। ये मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ये बहुत स्पेशल पराठा है हम लोगों का, पंजाबियों में देसी घी का पराठा। इसको अच्छे से बेल के ये देखिए मैं इसको तवे पे डालती हूँ। अब इसको मैं एक साइड से सिकने दूंगी। ये सुबह एक बार आप नाश्ते में खा लें तो आप दोपहर तक कुछ दोपहर क्या शाम तक इसको खाने के बाद भूख नहीं लगेगी। काफ़ी हैवी पराठा होता है हम लोगों का। ये देखिए मैंने इसको पलट दिया है। किसी भी परांठे को किसी भी रोटी को बनाने का सबसे अच्छा तरीका, अगर उसका स्वाद बढ़ाना है तो उसका तरीका यह है कि कभी भी उसको कच्चे पे ऑयल नहीं लगाना या घी नहीं लगाना। इसको अच्छे से जब तक ये सिक के वाइट वाइट दिखना ना शुरू हो जाए उसके बाद ही इसके ऊपर घी लगाना है। उससे घी कम भी लगता है और रोटी अच्छे से उसमें आटे का कच्चापन निकल जाता है, उसका स्वाद दुगना हो जाता है रोटी या परांठा जो भी हम लोग बनाते हैं। इसको मैं अच्छे से दबा दबा के इसको सेक लूँगी पहले, फिर मैं इस पर घी लगाऊंगी। देखिए अब ये वाइट हो गया, मैं इस पर देसी घी लगाऊंगी। आप चाहें तो उसको रिफाइंड से किसी भी ऑयल से किसी से भी बना सकते हैं, हम लोग देसी घी से बनाते हैं। ये देखिए दोनों साइड मैंने एक एक चम्मच देसी घी लगाया है। इसको अच्छे से रब करके इसको बार बार पलटेंगे, इससे अंदर से अच्छे से सिक जाए, जितनी लेयर्स हैं वो अलग भी हो जाए और अच्छे से सिक जाए अंदर अंदर तक ये पराठा। उसको किसी भी सूखी सब्जी के साथ, चार के साथ, दही के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत हैवी और ये बहुत ही स्पेशल पराठा है हमारे यहाँ का। ये तो उसको ये अच्छे से सिक जाए, लास्ट में इसमें और घी लगा के अब इसको, बहुत गर्म है तो इसको फॉइल या किसी चीज़ में रख के ही इसको दबाना है, इसको क्रश करना है। देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। देखिए अभी ग्वार की फली और धनिए लहसुन की चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी बना है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।